हेलो। तो हम कक्षा 9th का पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ को पढ़ रहे थे, इसका ये 5वां भाग है। तो कि ये प्रश्न उठा हमने पदार्थ की अवस्था, क्या पदार्थ अपनी अवस्था में परिवर्तन कर सकता है या नहीं कर सकता। तो हमने आंसर दिया कर सकता है ताप परिवर्तन से, और दूसरा कारक है दाब परिवर्तन से। तो हम पदार्थ का जो दाब परिवर्तन है, दाब में बदलाव करके किस प्रकार पदार्थ की अवस्था में बदलाव कर सकते हैं, और क्या कारण है कि दाब परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था बदल सकती है। तो हमने 3 अवस्थाएं पढ़ी थी, 3 अवस्थाएं भौतिक अवस्थाएं क्या थी, भौतिक अवस्थाएं, 3 भौतिक अवस्थाएं पढ़ी थी हमने। कौन कौन सी? ठोस अवस्था, द्रव्य अवस्था और गैस अवस्था। ठोस, द्रव्य, गैस अवस्था, ये 3 अवस्था थी, ठोस, द्रव्य और गैस अवस्था। हमने इन तीनों के बारे में पढ़ा। इन तीनों में जो घटक कणों के बीच की जो दूरी होती है, उनमें क्या होता, अंतर होता है, जो क्या होता है, जो घटक कण होते हैं, कणों के बीच की दूरी, घटक कणों के बीच की दूरी में क्या होता है, अंतर होता है। अंतर होता है ठोस में कण पास पास होते हैं, द्रव्य में ठोस की तुलना में अधिक दूर होते हैं, और गैस में इससे भी अधिक दूर होते हैं। तो इन घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण, इस अंतर होने के कारण ही क्या होती है, अंतर होने के कारण पदार्थ की तीनों अवस्थाएं में भी अंतर होता है। होने के कारण क्या होता है, पदार्थ की जो तीनों अवस्थाएं उनमें भी क्या है, अंतर है, क्या है, अंतर है। तो जो अंतर है वो कणों के बीच की दूरी के कारण ही द्रव्य, ठोस और गैस में है। द्रव्य में क्या है, ठोस में क्या है, कि कण पास पास हैं तो ये क्या होते हैं, इनमें जो आयतन आकार जो निश्चित होता है, जैसे भी गुण है वो इस दूरी पर है। तो ये अलग अलग दूरी में अंतर होने के कारण ये क्या होगा, इनमें अंतर होगा, इनमें दूरी। अगर हम गैस की दूरी में अधिक है तो इसकी दूरी को कम कर दे तो द्रव्यावस्था में आ सकती है, द्रव्यावस्था वाली दूरी को और भी कम कर दे तो गैस। इस प्रकार हम संगठन कणों की दूरियों को घटा या बढ़ाकर क्या कर सकते हैं, पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। ये चीज थी। तो क्या किसी सिलेंडर में भरी गैस है, उसको पर क्या लगाते हैं, हम दाब लगाते हैं। कोई सिलेंडर है हमारे पास, इस पर ये हमारा पिस्टन हो गया, अब हम इस पर क्या लगाते हैं, दाब लगाते हैं, भारी प्रेशर। तो क्या होगी, या संपीड़न है, संपीड़न मतलब दाब लगा कर उसे संपीड़ित करना, उसे क्या करना, कम आयतन में अधिक गैस को सूजित करना। तो ये बात है कि संपीड़न करने से क्या होगा, क्या संपीड़न या दाब लगाने से कणों के बीच की दूरी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या ये प्रश्न उठता है, कणों के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव क्या पड़ता है कणों के बीच की दूरी पर दाब लगाने से। तो दाब लगाने से जो गैस के कण हैं वो क्या आ जाएंगे, पास आ जाएंगे। दाब बढ़ाने से गैस के कण एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, समीप आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, दाब बढ़ाने से गैस के कण क्या आ जाएंगे, पास आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, पास। तो गैस के कण हमारे जो है वो पास आ जाएंगे। अब प्रश्न उठता है, क्या आप दाब बढ़ाकर या दाब को घटाकर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। प्रश्न क्या है, क्या आप दाब बढ़ाकर कर या घटाकर पदार्थ की
अवस्था में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं या ये है, क्या दाब बढ़ाकर हम पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो इसका जो आंसर है हाँ, हम पदार्थ की अवस्था में दाब बढ़ाकर या घटाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। दाब बढ़ाने से जो गैस के कण हैं या पदार्थ के कण हैं वो एक दूसरे के क्या आने लगेंगे, समीप आने लगेंगे। क्या है, दाब बढ़ाने पर क्या हो जाएंगे, पदार्थों के कण समीप आने लगेंगे। क्या आने लगेंगे, समीप आने लगेंगे। तो समीप आते हैं, आ सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई दाब बढ़ाकर। अब हम देखेंगे किस प्रकार दाब बढ़ाएंगे और उनमें चेंज हो। अब इसको हम मिटो देते हैं, दाब का प्रभाव का थोड़ा सा अध्ययन किया। अब देखेंगे किस प्रकार, एक उदाहरण लेंगे CO2 पर और उसकी अवस्था दाब पर किस प्रकार। दाब के बढ़ने तथा ताप के घटने से गैस ध्रुव में बदल सकती। क्या होती है दाब बढ़ने से क्या होगा, जो कण है गैस के वो क्या आएंगे, एक दूसरे के समीप, और ताप के घटने से क्या होगी, जो गैसी गैस है वो किस में चेंज हो जाएगी, द्रव्य में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। दाब के बढ़ाने और ताप के घटाने से गैस द्रव्य में बदल सकती है, क्या द्रव्य में चेंज हो सकती है। तो ये हमने देखा। अब बात आती है हमारी एक उदाहरण, ठोस CO2 है। वैसे हम जानते हैं कि CO2 एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लेकिन ये एक ठोस अवस्था में भी होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ठोस CO2 को क्या करते हैं, उच्च ताप पर इसे संग्रहित किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं, उच्च ताप पर इकट्ठा किया जा सकता है इनके वो किसको, CO2 गैस को उच्च ताप पर संग्रहित कर सकते हैं हम। ये बात थी। और जो हमारी अगली बात है कि ठोस CO2 को किस प्रकार हम चेंज करेंगे, तो आती है जब वायुमंडलीय दाब का मान, जो वायुमंडलीय दाब है वो किसके बराबर हो, वायुमंडलीय दाब का जो मान है वो एक ATM हो, वन ATM। ATM का अर्थ है एटमोस्फेयर है जो हमारे फियर, वायुमंडलीय दाब का अर्थ ATM। तो ये है एक, जब वायुमंडलीय दाब का मान एक ATM है, तो ठोस CO2 है जो हमारी क्या है, ठोस CO2 वो क्या करती है कि वो ध्रुव अवस्था में आए बिना ही सीधे ही गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती। जब दाब एक ATM हो तो ठोस CO2 है वो बिना ध्रुव अवस्था में बदले, बिना ध्रुव अवस्था में आए, ध्रुव अवस्था में आए सीधे ही क्या होती है, गैसीय अवस्था में बदल जाती है, क्या जाती है, बदल
जाति है। क्या है? बदल जाती। जो हमारी ठोस यूटू है वो ध्रुव अवस्था में आए बिना ही सीधे ही किस अवस्था में बदल जाती है? गैसीय अवस्था में बदल जाती है। यही कारण है कि ठोस यूटू को ड्राई आइस कहते हैं। यही जो कारण है कि ध्रुव अवस्था में नहीं जाती सीधी वाष्प अवस्था में जाती, इस कारण ठोस यूटू को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ या ड्राई आइस। क्या कहते हैं? ड्राई आइस। तो पहला प्रश्न, ड्राई आइस शुष्क बर्फ है, क्यों? क्योंकि ये बिना ही ध्रुव अवस्था में बदले ही सीधे ही गैसीय अवस्था में बदल जाती है। तो अब एक चीज आई जो एटमॉस्फेयर है, जिसे एटीएम ए से लिखते हैं, तो इसका क्या मतलब है? सो एटीएम या एटमॉस्फेयर है वो है क्या है? गैसीय दाब। क्या है? गैसीय दाब का मात्र, गैसीय दाब का मात्रक है। क्या है? गैसीय दाब के मापन का मात्र कह सकते हैं या इनका मात्रक है। वैसे दाब का जो मात्रक होता है, दाब का ऐसा ही मात्रक है, यानी पूरे विश्व में जो मात्रक चलता है वो है, जो वैज्ञानिक यूज करते हैं वो है पास्कल। पास्कल एक वैज्ञानिक था, उसके नाम पर रखा पास्कल, पास्कल। तो ये क्या था? पास्कल। तो एक एटीएम जो एटमॉस्फेयर दाब है उसका, उसमें 0.1×10^5 पास्कल क्या होता है? 0.5 के पास्कल होता है। जो वायुमंडलीय दाब है एक एटमॉस्फेयर, वो क्या होता है कि वायुमंडल में जो गैस होती है उसके द्वारा वायुमंडल की सतह पर जो दाब लगाया जाता है वो एक एटमॉस्फेयर के बराबर होता है, जिसे हम सामान्य दाब भी कहते हैं। तो ये दाब की बात। अब इन सब चीज़ों से हम एक चीज़ यह कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्था, जैसे ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, दाब और ताप के द्वारा तय होती है। मतलब दाब और ताप में परिवर्तन करने से पदार्थ ठोस अवस्था और द्रव अवस्था, गैस अवस्था में क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है, चेंज कर सकता है, उसमें बदलाव कर सकता है। यह चीज़ थी हमारी। और एक डायग्राम द्वारा हम तीन अवस्था में पदार्थ का अंतर रूपांतरण व्यक्त करेंगे, एक डायग्राम के द्वारा आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया है। क्या है वो? कि तीन अवस्था है हमारी, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और ये जो हमारी तीसरी अवस्था गैस अवस्था। ये तीन अवस्था हो गई। ठोस क्या होता है? जब ठोस को गर्म करते हैं तो वो द्रव अवस्था में बदलता है, तो इसके बारे में पढ़ा। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? सहगलन। क्या कहलाती है? सहगलन। अब हम क्या करते हैं? द्रव को गर्म करते हैं और यह किस में चेंज हो जाता है? हमारा गैस में। तो इस प्रक्रिया को हमने जो नाम दिया था वाष्पीकरण। क्या नाम दिया था? वाष्पीकरण या कवथन, वाष्पीकरण। तो ये प्रक्रिया वाष्पीकरण हो गई। और फिर हमने पढ़ा कि ठोस अवस्था बिना द्रव अवस्था में बदले सीधी गैसीय अवस्था में बदलती है, तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। लेकिन गैस अवस्था, जो गैसीय अवस्था है वो क्या करती है? जो गैसीय अवस्था बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे ही ठोस अवस्था में बदलती है, तो इसे किस नाम से जानते हैं? निक्षेपण। क्या है? निक्षेपण। ये क्या है? निक्षेपण। अब बात आती है द्रव को जब हम ठंडा करते हैं और वो किस में? बर्फ में। जो ठोस में बदलता है
तो हम क्या कहते हैं, जब पानी को हम जमाते हैं बर्फ़ में तो क्या कहते हैं, जमाते हैं, तो ये क्या हो गया, द्रव्य को जब ठोस अवस्था में बदला जाता है तो उसे कहते हैं जमाना। अब बात आती है गैस अवस्था, और इसको गैस अवस्था को द्रव अवस्था में चेंज करना, तो गैस अवस्था वाष्प होती है, उनको हम क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, संघनित करते हैं, तो ये जो प्रक्रिया होगी वो संघनन प्रक्रिया होगी। क्या होगी वो? संघनन, ये है हमारी संघनन, संघनन की प्रक्रिया। तो इस प्रकार हम इन तीनों अवस्था में अंतर रूपांतरण को जो ताप और दाब द्वारा निर्धारित कर सकते हैं, किस द्वारा, ताप और दाब द्वारा हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। यही चीज़ थी हमारा कि इस प्रकार ताप परिवर्तन और दाब परिवर्तन द्वारा पदार्थ की भौतिक अवस्था में बदलाव कर सकते हैं, और आगे जो हम पढ़ेंगे वो जो होगी वो हमारी वाष्पीकरण क्या है, इसके जो कारक है, इसके लाभ है, वो हम आगे पढ़ेंगे। और इस टॉपिक में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। और ये जो टॉपिक है हमारा जो चल रहा था कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, तो इसका आंसर हमने ये दिया था हाँ, लेकिन वो पदार्थ स्वयं अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकते, और परिवर्तन नहीं कर सकते लेकिन ताप परिवर्तन द्वारा तथा दाब परिवर्तन द्वारा पदार्थ अपनी भौतिक अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। और इसके बारे में हमने तीन वीडियो में पढ़ा है, पहले पार्ट में ठोस को द्रवावस्था में चेंज करने का, गुप्त ऊष्मा तथा क्वथनांक और संघनन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा, और अगले भाग में हमने द्रवावस्था को गैसीय अवस्था में बदलने के लिए क्वथन यानी वाष्पीकरण की प्रक्रिया और क्वथनांक तथा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बारे में पढ़ा, और इस भाग में हमने जो पढ़ा वो था दाब परिवर्तन, दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा, दाब बढ़ाने से पदार्थ के कण समीप आने लगेंगे, और ये जिससे क्या होंगे, वो क्या होंगे, समीप पाएंगे तो वो ठोस अवस्था में चेंज होने लगेंगे, यानी ठोस अवस्था की ओर जाने लगेंगे, द्रव अवस्था पहले फिर ठोस, तो ये जो बदलाव है वो आते हैं। और कणों के बीच की दूरी घटाकर बढ़ाकर ही हम पदार्थ की अवस्था में चेंज कर सकते हैं, अलग अलग पदार्थ की भौतिक अवस्था में जो अंतर है वो कणों के बीच की दूरी के कारण ही होता है। आप अपनी बुक में भी इस टॉपिक को पूरा अच्छे से पढ़ें तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ऐसी कोई चीज़ छोड़ी नहीं गई है जो आपके सिलेबस में है। धन्यवाद।